कुछ दिन बिताने के बाद दोबारा अपने लोक में आने के बाद रम्पेलस्टिल्स्किन जैसा हैवान कोर्ट नीति और जबरदस्ती हमारे राज्य को हड़पने के लिए माया जाल से हमारे लोगों पर अत्याचार करके उन्हें अपने वश में कर लिया, जिससे फसाद शुरू हो गया। ही माया दर्पण, महाराज कहाँ हैं? इस राज्य की रक्षा करने के लिए गए हैं क्या? हे भगवान, वो लोग उसे चले आ रहे हैं। हमारे सैनिक क्या कर रहे हैं? उन्हें रोकते क्यों नहीं? No. रम्पेलस्टिल्स्किन, तुम ही ये कूटनीति कर रहे हो, मुझे पता चला है। तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे सैनिकों पर अपना माया जाल बिछाकर उन्हें अपने वश में कर रहे हो, हमारे राज्य को हत्या कर उस पर शासन करने की हिम्मत है तुम में? इस वक्त अगर तुमने हमें हरा भी दिया तो विजय हमेशा धर्म की ही होगी। भविष्यवाणी कर रही हो? एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुमने हमें मार भी डाला तो प्रजा तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। छोड़ेगी नहीं, क्या कर लेगी वो? हम एक समझौता कर लेते हैं। महाराज कहाँ है? अगर इस राज्य को मैं अपने अधीन कर लूं तो सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी और तुम भी मेरी हो जाओगे। पहले ये बताओ कि तुमने महाराज का क्या किया? ये जो माया दर्पण है ना, दूसरे लोग जाने का रास्ता दिखाता है। माया बहुत बड़ी चीज है, उसके हासिल होते ही मैं महाराजा बन जाऊंगा। और एक बात, मैं अपने लोगों के साथ उस लोक में जा रहा हूँ, तुम भी चलोगी? पहले बताओ महाराज का तुमने क्या किया? स्नो वाइट, इस देश की महारानी, सब अधिकार तुम्हारे पास थे, कुछ कर पाए? तुम्हारा अंत नजदीक आ गया है। वो भी देख लूंगा। हाँ, महाराज को मार डाला। उसका कारण भी तुम ही हो। मेरी बात मानी होती तो ऐसा नहीं होता। अगर तुम मेरी बन जाती और तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती तो मैं देख लेता। महाराज मर चुके हैं, इसलिए सारे अधिकार तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो तुम्हारा राज्य तुम्हें सौंप कर तुम्हें महारानी बनाऊंगा और तुम्हें महाशक्तिशाली बनाऊंगा। ये सोचने का वक्त नहीं है, मेरी बात मानो तो मैं अपने आदमियों के साथ दूसरे लोक में चला जाऊंगा, और नहीं मानी तो तुम मारी जाओगी। मेरे चारों साथी मुझे और मेरे राज्य को बचा लेंगे। इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा, सोचो मत, अमल करो। दुनिया को छोड़कर हम किसी और लोक में चले जाएंगे। अब सोचना बंद करो। अगर तुम मुझे मारोगी तो वो जंगली लोकड़ी तुम्हें खत्म कर देगा। इतना कुछ होने के बाद मेरे जिंदा रहने का क्या मकसद? लगता है हमें आने में देर हो गई। उधर नहीं, सीधे चलो, यहाँ तो कोई नहीं है। अरे ये क्या हुआ? लगता है राजा साहब को किसी ने मार दिया। रानी का क्या हुआ होगा?
माया दर्पण। महारानी भूलोक गई हैं। लगता है हमें भी वहीं जाना चाहिए। अरे बच गई तुम। मैं जान नहीं पाई। वो तुम्हें तो मारने आया था। वो जंगली लोमड़ी यहीं कहीं पर है। होशियार, अगर तुमने होशियारी नहीं दिखाई तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लगता है यहाँ कुछ हुआ है। रेड, रुको, रुको ना। प्रजा परेशान है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आई हूँ। अगर वो जंगली जानवर मुझे यहाँ कहीं नजर आ गया तो मैं उसे मार डालूंगी। तुम्हें नजर आए तो बताना। अब परिस्थिति उसके अनुकूल में है। अब हमारे पास सोचने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी करो, हमें जल्दी करना है। उसने जो दंगे करवाए हैं उसमें तुम्हारे परिवार पर ही मुसीबत आई है क्या? अरे हमारा राज्य ही हम खो बैठे हैं। मैं इस राज्य के लिए ही तो लड़ती आ रही हूँ। मगर तुम शादी करके तो बहुत खुश हो। देशभक्ति के लिए तुम मुझे मत समझाओ। बेवजह बहस मत करो। अगर हमने उस जंगली लोमड़ी को मारा तो वो पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। वो भी तो उसी की सृष्टि है, उसी ने उसे बनाया है। तो ठीक है, अपने अपने रास्ते चलते हैं। महारानी कहाँ है, कैसे पता करें? माया दर्पण से पूछते हैं। हमारी रक्षा करने वाली माया दर्पण। महारानी कहाँ है, दिखाओ। तुरंत। महारानी जीवित है या नहीं है? अगर है तो कहाँ है हमें बताओ। हमें वहां जाकर उन्हें बचाना होगा। ये जिसके कारण हुआ है उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम जान की बाजी लगाकर रानी को बचाएंगे। तुम्हारी इतनी मत के हमें धमकाते हो तुम। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। तुम जल्दी कुछ ना कुछ करो। बेचारा कहकर छोड़ दिया तो नाटक करता है मुझसे। तू हाँ, मुझे क्या समझता है तू हाँ? अरे मेरी बात तो सुनिए, मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे टॉर्चर कर रहे हैं? ओए, तू अपने आप को समझता क्या है बे? अरे तुझे पकड़ने के लिए तो आए हैं हम यहाँ। मेयर से घबरा के तूने ये सब किया ना है? ये हंसने का वक्त नहीं है। मेयर ने जो काम दिया था मैंने वो कर दिया, लेकिन उनको मेरा काम पसंद नहीं आया। रिलैक्स, तुम बिल्कुल मत डरो। मैं दोबारा तुम्हें मेयर के पास लेके जाऊंगा। तुम्हें मुझे सच्चाई बतानी पड़ेगी। वो लड़की कहाँ है, अगर तुम्हें पता चल जाए तो बेझिझक मुझे बता देना यार। वो लड़की, वो कौन है? तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? उसका नाम है सोय। रेड, रुको एक मिनट। बैकार 2-7, कोई ऑफिसर है वहां पर? फ्री मून की तरफ से चार लड़कियां वहां से भागने की कोशिश कर रही हैं। हिलना मत, चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो। इनको देखकर मुझे कुछ शक हो रहा है। ये उसी के आदमी होंगे। मुझे लगता है ये उसके आदमी नहीं होंगे। मैं उनसे बात करके देखती हूँ। हेलो, तुम हमारी मदद करोगे क्या? ज्यादा बात मत करो, चुपचाप नीचे झुक जाओ और अपने हाथ ऊपर कर लो, जैसा मैं कहता हूँ करो। हमने क्या गलती की है? हम अपनी महारानी को ढूंढते आए हैं। उनका नाम स्नो वाइट है। महारानी के लोग हैं क्या? ये देखो। ओ, ये मेरे लिए है क्या? हमारे बारे में जान गया होगा। ठीक है, यहाँ से निकलते हैं। हाय लड़कियों, तुम लोगों ने मेरी मदद की, धन्यवाद। मगर तुम लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं है। उस मायर के आदमी इधर उधर घूम रहे हैं, उनके हाथ लगी तो प्रॉब्लम। महारानी स्नो वाइट कहीं नजर आई क्या? हाँ नजर आई, वो अभी आ रही है। वो देखो आ गई। कार में चलो। वहां से यहाँ क्यों आए तुम सब? हमें लगा कि आपको कुछ हो गया होगा। राज्य का सर्वनाश हो गया है, प्रजा बहुत कष्ट में है। माया दर्पण टूट गया है, लेकिन एक छोटा टुकड़ा बच गया है। वो किसके पास है? वो रेड के पास है। हमें लेना है उसे। कैसे? वो जंगली लोमड़ी जहाँ भी हो उसे ढूंढते हुए रेड जरूर आएगी।
वो शायद रेड को मार डालेगा। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। वो क्या कर लेगा? वो रेड कहाँ है उसका पता लगाना है और उस माया दर्पण के टुकड़े को हासिल करना होगा। अगर वो उसके हाथ लग गया तो सर्वनाश की सीमा को पार कर लेगा और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए महारानी। मैं अब किसी राज्य की महारानी नहीं हूँ। अब से मुझे महारानी मत बुलाना। और कितनी दूर हमें जाना है? बहुत दूर जाना है हमें। कौन लोग हो तुम? किस लिए आए हो? यहाँ कुछ काम वाम करने आए हो क्या? वैसे ही आई हूँ मैं तो। वैसे ही ये बार आयरन जॉन के नाम से मशहूर है। यहाँ उनके कहने के मुताबिक ही सब कुछ होता है। पहले ही बता देता हूँ कि अगर तुम किसी मदद के लिए आए हो तो वो नहीं करेगा। वो बहुत स्वार्थी इंसान है। उनसे मुझे क्या लेना? उनसे उलझना चाहती हो? सबके लिए तैयार हूँ मैं। उसका पीछा करके पकड़ो। परेशानी के एक महाराज की तरह जीना चाहता है वो। बिना अधिकार की वो एक दिन भी नहीं जी सकता। तुम लोग जान लो कि इस वक्त उसने हमारे लोग को अपने अधीन में कर लिया। वो आजकल इस सिटी का मेयर है और अपने माया जाल से सबको अपने वश में कर नचा रहा है। बस उसी का कानून चलता है यहाँ। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से ही सारा राजभार चलाता है वो। उस बिल्डिंग के चारों ओर काफी सिक्योरिटी है। उसके अंडर में बहुत बड़ा ग्रुप काम करता है। पूरा पेंट हाउस उसके कंट्रोल में है। अगर हम किसी तरह अंदर घुस गए तो उसका काम तमाम कर सकते हैं। मेयर साहब से मिलना है हमें। एक मिनट मेयर, आपसे मिलने दो ऑफिसर आए हैं। अभी लेकर आती हूँ। अब मेरे साथ चलिए, मेयर ने आपको अंदर बुलाया है। हाँ,
सर, जैसा आपने कहा मैं इन दोनों को अंदर लेकर आ गई। ओहो, आ गए, स्वागत है, आइए आइए। थैंक यू जेसिका, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। यहाँ जो देखा भूल जाओ। ओके सर। बोलो, मैंने जो काम तुम्हें दिया था वो कहाँ तक पूरा हुआ, बोलो। वैसे हमें पता चला है कि कुछ लोगों ने स्नो वाइट को देखा है, कह रहे थे। स्नो वाइट को देखा, किसने कहा? तीन औरतों ने, बहुत शक्तिशाली थे। वो अभी कहाँ है? हमें उल्लू बनाकर वो लोग भाग गए। उनको माया जाल की विद्या मालूम है। माया जाल की विद्या मालूम है? माया जाल। तुम शादीशुदा हो क्या, हंस? मेरी वाइफ है सर। ओ तो है, ठीक है, हम एक समझौता करते हैं। तुम्हें एक काम सौंपता हूं, तुम्हें स्नो वाइट का पता लगाना है। वो जहां कहीं भी हो उसे पकड़कर मेरे सामने पेश करो, नहीं तो हम सब पर मुसीबत आ जाएगी। समझ गए ना? नहीं तो तुम्हारी पत्नी विधवा हो जाएगी। अच्छी तरह सोच लो। जैसा मैंने कहा तुरंत करो। उन सब के साथ इसे भी बंदी बना लो, जाओ इसी वक्त। वो कब क्या करेगा कुछ पता नहीं चलता, हमें होशियार रहना होगा, सब उसी के आदेशों पर चलते हैं। पुलिस, इमरजेंसी सिस्टम, प्रेस, सब उसी के कब्जे में है आजकल। उसका विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं है। पुलिस भी उसी का कहना मानती है, अपने फायदे के लिए वो पुलिस का इस्तेमाल कर रहा है। यहां तक कि पुलिस वाले क्रिमिनल्स हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके लोग भी गायब होते जा रहे हैं। सॉरी मेरे दोस्त। प्रजा अब उसके बारे में सोचने लग गई है। क्या कर रहा है? इसके कारण प्रजा में विप्लव शुरू हो गया है। खैर नहीं है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? वो सुनेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चुप रहो। देर से देख रहा हूँ तेरे को मैं, है? चल। अगर किसी ने उसका विरोध किया तो उसकी मौत निश्चय हो जाती है। उस माया दर्पण के टुकड़े को किसी भी तरह हमें हासिल करना होगा। ब्रेट को उस माया दर्पण के टुकड़े की महिमा नहीं मालूम है। अगर वो मेयर उससे मिल गया तो बहुत ही अत्याचार हो जाएगा। वो उसके हाथ में लगने से पहले ही हमें उसे अपने कब्जे में लेना होगा। सब जगह ढूंढो, जहाँ कहीं मिले उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अच्छी तरह ढूंढो। जब तक वो लड़की नहीं मिलती तुम लोग वापस नहीं आना। सर, आपने जिसके लिए कहा था उसे ले आया। ओके, चलता हूँ सर। जो भी उसके आड़े आता है उसे वो अंधेरी कोठरी में डलवा देता है। अपने द्वारा बनाए गए माया जाल के लोगों से ही वो इस सिटी को चला रहा है।
अगर रेड उसके हाथ लग गई तो उसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हम जैसा सोच रहे हैं अगर वैसा हो गया तो हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, समझ लो। माया दर्पण का टुकड़ा हमारे पास होता तो दरवाजा खोलकर अंदर जा सकते थे। अब उसके बारे में क्यों सोच रही हो? पहले उसका अंत कैसे करना है उसके बारे में सोचते हैं। वो रेड को पकड़े उससे पहले हमें उसे अपने काबू में करना होगा। ने कहा वो बताएगा और वो बताएगा क्योंकि सोच रहा हूँ मैं। हाँ, और तुम्हें क्या बताऊँ, सोच रहा हूँ मैं। मेरी माँ मुझे याद कर रही होगी, मैं चला। आ गई हूं, हिम्मत हो तो सामने आओ। हिम्मत नहीं है क्या? तुम आओगी मुझे पता था, इसलिए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। आओ, जल्दी आओ। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हारे पास जो दर्पण का टुकड़ा है वो मुझे दे दो तो शायद तुम बच जाओगी। हाँ। तुमने मेरे परिवार का खात्मा किया है, जब तक मैं तुम्हें नहीं मारूंगी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हें मारना ही मेरा मकसद है। मिल गई, यहाँ अकेले क्या कर रही हो मेरी जाने मन? इसको पहनोगी क्या? जवाब दिए बिना चुपचाप पहन लो वरना गोली मार दूंगा। मेरा बॉस तुमसे बात करना चाहता है। ओके, बढ़िया है। इन बुक्स को देखो, इन बुक्स में उसके बारे में कितना अच्छा लिखा है। देखो, भगवान का रूप दे दिया है उसे। इसका अंत कब होगा पता नहीं चल रहा है, जल्दी पता लगेगा। आई आइए, दिमाग का खेल है, एक के दो के चार, चार के आठ। आई आइए, ये चाहिए या वो चाहिए, जीतेंगे तो आपको दो गुना दूंगा मैं, जरूर दूंगा। कमाल का खेल है, आज तक कोई जीता तीन पत्तों में। ये दुनिया में सबसे बड़ा आदमी बनने का रास्ता है। आइए आइए, पैसा फेंकिए, आइए 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 आइए। तुम? हाय जैक। मुझे अपने झगड़े में मत घसीटो, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे से पंगा लिया तो मेरा जीना आराम कर देगा वो। मेरे कुछ बोलने से पहले ही क्यों चिल्ला रहे हो? अरे, मेरे से मदद मांगने के लिए आई हो? मुझे माफ कर दो, मैं आप कुछ नहीं कर सकता। ओके, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मेयर को पता लग गया होगा, वो सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा। सब कुछ आसानी से लेना चाहिए। आप जॉन के बारे में जाइए, सब कुछ पता चलेगा। वो यहाँ पर क्यों आएगा? मुझे बड़ा आश्चर्य होगा अगर वो यहाँ आया तो। हमें बहुत संभल के रहना होगा। उसने कहा वो बताएगा और वो बताएगा क्योंकि सोच रहा हूँ मैं। हाँ, और तुम्हें क्या बताऊँ, सोच रहा हूँ मैं। बंद करो, शायद तुम कुछ मुझे बताना चाहते हो। आखिर मुझे पता चला कि आयरन जैन सब कुछ जानता है। उसने किसी को नहीं मारा, नहीं मारा। मुझे पता है वो किसी को नहीं मारती। वो बहुत अच्छी औरत है, उसने मेरा सर्वनाश किया है। मेरा जीवन बर्बाद हुआ उस मेयर की वजह से। तुमने हमारी बहुत मदद की है, तुम्हें क्या चाहिए बोलो।
एक उम्मीद होगी क्या? हाँ। आयरन जॉन ने रेड को देखा है। रेड कहाँ है उसे मालूम है। जल्दी हम पता लगा सकते हैं। हेलो जॉन, आपके लिए तोहफा। ओह, खूंखार शेरनी मिल गई क्या? इसको किसने पकड़ा है? अरे इसको पकड़ के बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने। बता ये क्या है? इसी को कमान कहते हैं। और इसको? ये मेरे बार के पीछे मिला है। बोलती क्यों नहीं? इसको किसी पे इस्तेमाल किया था। किसको मारने के लिए? उसी जंगली लोमड़ी को मारने के लिए। इस एरिया में मेरा ही कानून चलता है। मैं जो बोलता हूँ वही होता है। हमारे लोगों पर वार किया? हमारे लोग बहुत दुष्ट हैं। उनके खिलाफ मत जाओ तुम। तुम्हारे ऊपर किसने अटैक किया? मनुष्य के रूप में जानवर यहाँ घूम रहे हैं। तुमने अगर मुझे ज्यादा टॉर्चर किया तो तुम्हारे आदमियों को भी ये कमान छोड़ने वाला नहीं। मिल गया तो मार डालोगी? हाँ बिल्कुल, मैं उसे मार के ही रहूंगी। कैसे मारोगी? इसी तरह से। उसे मार डालो, गोलियों से भूख डालो। भाग रही है। जल्दी जाओ, पकड़ो उसे, मार डालो उसे। रुक जाओ, यू आर अंडर अरेस्ट सब लोग। वो महारानी नहीं है लेकिन उसकी जरूरत है हमें। आप जो अन्याय कर रहे हैं उसे नहीं रोकेंगे क्या? नहीं रोकेंगे। हमारी बात नहीं सुनेंगे? नहीं, उसको वहीं रखो, मैं भी आ रहा हूँ। उधर देखिए। सेक्रेटरी को बुलाऊं क्या? बिल्कुल नहीं, बात का पतंगड़ मत बनाओ। तुमसे दोबारा मिलके खुशी हो रही है? मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। इतने दिन कहाँ थे? रेड हमें मिल गई, मुझे पता चला। उसके पास ही वो दर्पण का टुकड़ा है। बहुत अच्छी खबर सुनाई। ये मुझे इज्जत नहीं दे रहा था और अपनी औकात भूल कर बात कर रहा था। इसको जीना चाहिए क्या? आपको बचाने बिना बहुत कुछ बच गया, मुझे माफ कर दो सर। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मेरे दिल में जो आता है मैं वही करता हूँ। जेसिका, तुरंत एक कार का इंतजाम करो। मैं रेड को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, तुम्हें जो करना है कर सकती हो। मुझे सिर्फ वो दर्पण का टुकड़ा चाहिए। मेरा कुछ लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये देखा तुमने? मेयर का जो भी विरोध करता है उसे यही बंदी बनाया जाता है।
यहाँ जो भी बंदी है उसकी पहरेदारी पुलिस वाले ही करते हैं। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। क्या करना चाहिए? हमें किसी तरह पता लगाना होगा, उसका काम तमाम करना होगा। लगता है इन सबको उसने बदल दिया है, हमें इन्हें बचाना होगा। बिल्कुल बचाएंगे, हम अपना करिश्मा दिखाएंगे। आज बहुत शांत लग रहा है ना? सच कह रहे हो, आज आयरन मैन के लोग झगड़ा ना करें, मुझे डर लग रहा है। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? गुड नाइट। वो दूसरा कहाँ गया? हमें इनको रोकना होगा, इन सबको अपनी ओर खींचकर इस दुनिया को अपने कब्जे में करने के लिए एक आर्मी तैयार कर रहा है। यही सही समय है, रेड कहाँ है पता लगाना होगा। अगर वो माया दर्पण का टुकड़ा मिल गया तो इसका अंत कर सकते हैं। वो रेड कहाँ है अभी तक हम ढूंढ नहीं पाए हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। हम जरूर कुछ करेंगे, सोचिए क्या करना है। वो छोटा दर्पण रेड के पास ही होगा। सच कह रही हो, वो रेड के पास ही है। रेड कोई भी काम ठीक तरह से पूरा नहीं करती है, अगर हम कोई सलाह देते हैं तो वो उसका विरोध करती है। जान की बाजी लगाकर हमें इस देश को बचाना होगा। उस छोटे दर्पण की कीमत शायद उस रेड को पता नहीं है, अगर उसको पता होता तो उसका प्रयोग करती ना। रेड कहाँ पर है हमें पता लगाना ही होगा, हमें ढूंढना होगा। रेड का हम किसी तरह भी पता लगा लेंगे। उसी से सच्चाई बलवा। वाकई तुम बहुत हिम्मत हो रो जॉन। जहां भी देखो तुम्हारे और तुम्हारे आदमियों के बारे में ही बात कर रहे हैं। तुम्हारे इस काम से मेयर बहुत अपसेट हो गए हैं। उन्होंने जो तुम्हें काम सौंपे थे तुमने नहीं किए, इसलिए वो बहुत गुस्से में हैं। क्या बक रहे हो तुम? मेयर ने जैसे कहा वैसे ही काम कर रहे हैं हमारे लोग। अपनी जान की परवाह किए बिना जान जोखिम में डाल रहे हैं मेरे लोग। कहीं ना कहीं भूल हो गई होगी। मानते हो ना? इन सबका कारण तुम ही हो। तुमसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। इंट्रोगेशन सेल में मैं तुम्हें तुरंत लेकर जाऊंगा। तब तक तुम अपनी बाकी जिंदगी के दिन गिनते रहो। मैंने तुम्हारे किसी आदमी को नहीं मारा। तुम्हें मारने का मौका मिला था लेकिन नहीं मारा। चाबी दो। हो गया। ओए, रुको, वो चाबी उठा के मुझे दो। अगर तुम नहीं आई तो तेरी तुम। वो हमारे लोग की वापस आ रहा है, इसे होश आ रहा है। मैं कुछ मत कीजिए आप। इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ? डरो मत, हमारी मदद करनी हो। अगर नहीं की तो तुम्हें भी अंदर डाल देंगे उनके नहीं, साथ। नहीं, मुझे कुछ मत करना प्लीज। सच सच बताओ रेड कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता, मैं बेहोश था, मैंने कुछ नहीं देखा। इसको कुछ नहीं पता है, ये और कुछ जानता है पूछो। रेड शायद जिंदा होगी या फिर उन लोगों ने मार दिया होगा। हमारे ऊपर जादू टोना कर हमें अपने वश में कर लेता है।
काफी लोगों को अपने वश में कर अपना उल्लू सीधा कर लेता है। वो अपना काम पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब तुम लोग कैसे हो? बहुत मुसीबत में है। उसके ऊपर हमेशा एक नजर रखना। इस लोक में भी उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। मेयर के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें खबर करते रहना। तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उस रेड का पता लगा कि हमें बताओ। उस रेड को भी अपने वश में करके पुलिस कस्टडी में रखा होगा। टेंजल में ढूंढो। बताओ कि रेड को किस सेल में रखा है, बताओ। क्यों भैया जंगली बकरी की तरह इधर चिल्ला रहे हो? नो 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 नो, वो जेल तोड़ के चली गई है, कहां भागी है बताओ। किसी भी तरह उसको पकड़ना होगा। ढूंढो उसे। कहां है ढूंढो। यहां पे मुसीबत आने वाली है। सैनिक आ रहे हैं। एक कैदी जेल तोड़कर भाग गई है, उसे पकड़ना होगा। अगर मिले तो कंट्रोल रूम को इत्तला करो, वो यही कहीं छुपी होगी। अगर वो हमला करे तो शूट कर डालो। संभल के। चलो चलो ठीक है, आओ जाओ। रेडिया नहीं है, हमें तुरंत निकलना होगा। मुझे ढूंढते आए हो, मुझे पता है। बड़ी होशियारी से काम लेना होगा इस वक्त। हम अपने राज्य में जाकर अपने सैनिकों को यहाँ लाएं क्या? वो नामुमकिन है और इतना समय भी नहीं है। उस मेयर का अंत हमें ही करना होगा। उसका बस एक ही रास्ता है, हम में से किसी एक को उस सिटी हॉल में प्रवेश करना होगा। अगर मेरे पिता जिंदा होते तो हमारे सैनिकों को यहाँ ले आते। माया जाल का दरवाजा अगर खुल जाए तो हम अपने सैनिकों को यहाँ ला सकते हैं। मेयर अपने सैनिकों को इस लोक में इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? उनके इरादे क्या है हमें क्या पता, उस बारे में क्या बात करनी अब? अपनी शक्तियों के सही उपयोग से आसानी से हम उसका खात्मा कर सकते हैं, उसके साम्राज्य को चकनाचूर कर सकते हैं। आप क्या बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। आप क्या क्या चाहती हैं? दया करके कोई मेरी बात सुनेगा। इसी समय हमें होशियारी से काम लेना होगा। हाँ, मुझे भी यही ठीक लगता है। हम में से किसी एक को ही उसकी जगह पर जाना होगा। चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, हमें उसके हाथ नहीं लगना होगा। वहाँ जो भी जाएगा अपने दिमाग से पूरा काम निकालना होगा। वहाँ अब कौन जाएगा पहले उसका फैसला करते हैं। उससे उलझकर हिम्मत से काम करने वाला ही वहाँ जा सकता है। उनका ठिकाना मिल गया है। गुड, तुम वहीं पे ठहरो, मैं अपने आदमी को वहीं पर भेज रहा हूं। हम दोनों एक बार जेल तक चलें क्या? हेलो जॉन, हमारे साथियों का क्या किया तुम? तुम्हारे सब लोग यहीं हैं। वो सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। अगर तुम मेरी बात मानो तो उन सबको छोड़ दूंगा। पता नहीं क्यों तुम मुझे मेरे आदमी लगते हो। वो स्नो वाइट,
तुम उसे जानते हो ना? मैं उसी को ढूंढ रहा हूं। उसको ढूंढने में तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। प्रजा की भलाई करके उनका ऋण चुकाऊं ऐसा मैं सोच रहा हूं, लेकिन वो स्नो व्हाइट और उसके साथी मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। उसके पास दर्पण का टुकड़ा जो है, अगर हम वो हासिल करते हैं तो प्रजा की बहुत भलाई हो सकती है। इसलिए तुम जाकर रेड को पकड़ो। तुम्हारा कहना मैं क्यों मानूं? चलो पहले हाथ मिलाते हैं, उसके बाद समझौता कर लेंगे। लेकिन तुम मुझे खुश नजर नहीं आते। तुम ये काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, मुझे उम्मीद है जॉन। बलवान ही ये काम कर सकते हैं। वैसे जनता तुम्हें किस नाम से पुकारती है? आयरन जॉन के नाम से पुकारती है। ओ आयरन जॉन, यानी लोहे के बने हो तुम। तुम्हारे नाम जैसे ही मैं तुम्हें बदल दूंगा। चलो हाथ मिलाते हैं, संकोच मत करो। वैसे हुआ क्या था? मेयर ने जिन लोगों की सृष्टि की है, जब उन्होंने हम पर हमला किया तो हमने उनका मुकाबला किया। हमारे लोगों को खेती के सिवाय और कुछ नहीं आता। हम हर हालत में महाराजा की मदद करने के लिए तैयार थे, लेकिन उस जंगली लोमड़ी ने हमारे लोगों को मार डाला। मैं अकेली ही बच गई क्योंकि मैं उस वक्त उस गांव में नहीं थी। रेड, सच सच बताओ, हमारे साथ इंतकाम लेने के लिए तुम हमारे साथ काम क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि तुम और महारानी एक उद्देश्य को लेकर नहीं चल रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। तुम्हारा सोचना गलत है कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं। वो मेयर अपना जादू चलाकर लोगों को वश में कर अपना काम निकाल रहा है। एक साम्राज्य को बनाने का ख्वाब देख रहा है। उसके खिलाफ जो चाहते हैं उन्हें परेशान कर रहा है। वो अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम्हें कुछ मालूम है क्या कि उसने महाराजा के साथ क्या किया? और फिर मेरे हस्बैंड, वो जिंदा तो हैं, मगर पूरी तरह उसके कब्जे में हैं। राज्य चलाना कोई आसान काम है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हमें क्या करना है जरा सोचो उसके बारे में। सब अपने आप को उस्ताद समझेंगे तो काम कौन करेगा? जॉन, हम अंदर कैसे जा सकते हैं? दरवाजा तोड़कर। लगता है कोई आ रहा है। पकड़ो और ध्यान से रखो। पकड़ो उन्हें, भाग रहे हैं। ए, कहां भागती हो? मौत से डर नहीं लगता तुम्हें? मैं किसी से नहीं डरता हूं। रेड, हमें इसी तरफ जाना है, जल्दी आओ। जाओ, दर्पण के टुकड़े को संभाल के रखो। इन सबको मैं संभाल लूंगी। रेडी, एम, शूट। हमें तुरंत निकलना होगा। मगर पंसल कहाँ है? क्या सोच रही हो इस वक्त?
पागल हो गए हो क्या? मुझे कुछ पता नहीं चला। आओ चलो। वो सब लोग कहाँ गए? वो चले गए। तुम इसको उठा के मेरे साथ आओ। चाहिए चाहिए क्या? रेड, उसे इस तरफ फेंको। ठीक है, ये लो। डैम इट। रेड संभाल के। उसको वो संभालेगी, तुम चलो। आवाज मत करो। तुम्हारी मदद करने के लिए मैं आई हूँ। कह रही हूँ ना, आवाज मत करो। चुप हो जाओ। किसका घर है ये? जब से भूलोक आई हूँ यहीं पे रह रही हूँ। ये बात है? बचपन में जब मैं यहाँ आई तो बहुत अच्छा था। अब भी ठीक ही है। अच्छा, तो आगे क्या करना है? तुम यहीं पर रहना और इस दर्पण का अच्छी तरह से ख्याल रखना। यहाँ पर? वो भी अकेली। चाहो तो किसी और को अपने साथ रख सकती हूँ। रिपेंसल को हम कैसे बचाएं? उसके बारे में सोचना बंद करो, अपने आप को बचा लेगी। हम कहाँ हैं उसे कैसे पता चलेगा? वो हमें कैसे ढूंढेगी? किसी भी तरह पता कर लेगी। वो उसके साथ कुछ करेगा तो? पहले मेयर का खात्मा करने के बारे में सोचना होगा हमें। एक बात समझ लो, जब तक वो दर्पण का टुकड़ा हमारे पास है वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। वो कुछ नहीं करेगा कह के हम कैसे चुप रहेंगे? वो बच के निकल सकती है क्या? बिल्कुल। जब हम लोगों ने इस लोक में प्रवेश किया था तो हम पांच थे, अब तीन है ना। तुम्हारी दोस्त रेड वो कहाँ है, किस हाल में, हम कुछ नहीं जानते। वो अब किस मुसीबत में है हमें ये भी नहीं मालूम। दर्पण का टुकड़ा इस वक्त हमारे पास है, ये सोचने का समय नहीं है। अब हम कहाँ उसे जाकर ढूंढे, बताओ। बिना वजह उसे ढूंढने में समय बर्बाद मत करो। हमें मालूम नहीं वो कहाँ है तो कैसे उसकी रक्षा करें? उतना समय भी नहीं बचा हमारे पास। अगर उस मेयर को ऐसे ही छोड़ दिया तो सिटी का नाश कर देगा वो। एक बात समझ लो, अगर ऐसे ही सोचते बैठे रहे तो उसके द्वारा तैयार किए गए सैनिक सिटी का नाश कर देंगे। देखो, हम किसी भी तरह रेड को बचाना चाहते हैं, मगर प्रजा की रक्षा भी तो करनी है। उसका सर्वनाश करना ही इसका हल होगा। जाओ, जैसा कहा है वैसा करो। ठीक है, अब हमें कहाँ जाना है? सिटी हॉल के अंदर कैसे प्रवेश करना है इसके बारे में सोचो। आ, 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 आ,
मेयर से मिलना है, बुलाओ उसे। हमेशा न्याय का साथ देते थे, क्यों इस तरह बदल गए मेयर के कहने पर? मिस्टर मेयर, तुम उसको मार सकते हो। मेयर को मार दूं? आयरन जॉन तुमसे मिलने आए हैं। उसने तुम्हें अपने वश में करके तुम्हें नामर्द बना दिया है। ओके। उसने तुम्हें जो लालच दिया है वो कभी पूरा नहीं होने वाला। जुबान बंद करो। उसने तुम्हें मूर्ख बनाया है और अपने फायदे के लिए तुम्हारा उपयोग कर रहा है। जॉन। मिस्टर मेयर, ये सब देख के मुझे बहुत डर लग रहा है। जेसिका, जॉन हमारा दोस्त है, मत डरो। ओ ये बात है तो ठीक है। तुम जल्दी घर जाकर आराम कर सकती हो। ओके। ओ रैपॉन्सल, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ है? वो लोग बस निकले, यही एक मिली है। पांचों में से एक ही मिली है। वो लोग कहाँ गए? दर्पण का वो टुकड़ा कहाँ है? सुनो, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो तुम्हें अपनी मंत्रिमंडल का सदस्य बनाऊंगा। समझ गई तुम? अगर तुम्हारी महारानी के पास वो दर्पण का टुकड़ा है तो मुझे लाकर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तेरी मौत अब करीब है। लगता है तुम्हें जिंदगी से प्यार नहीं है, इसलिए तुम समझ नहीं पा रही हो। तुम्हें दिखाता हूं उसका मजो। अब क्या करना है मुझे? मेरे वापस लौटने तक इस पर नजर रखना तुम। हुआ क्या है? सबकी तरह इसे भी बदल दिया होगा। इसे हिप्नोटाइज किया गया है। इसे बदलने की कोशिश करो। मुझे छोड़ दीजिए। अगर मेयर को पता चलेगा तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो जरूर मुझे बचाने आएंगे। तुम अपनी जबान बंद करो। इसको ठीक कर सकते हैं। जल्दी करो, समय बहुत कम है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जेसिका एक मिनट, इधर देखो, मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। वो भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती है। ये सब क्या है? ये अगर उन्हें पता चलेगा तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो ना। नहीं 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 नहीं, मुझे। जेसिका, आप स्नो वाइट है ना? आप अपने दोस्त को ढूंढ रही है ना? मेयर ने जिन जिन जगहों पे कहा है वहां ढूंढो। वो हमें धोखा देके भाग गई है। हर जगह ढूंढो उसे, किसी तरह पकड़ना है उसे। साउथ साइड में पूरी तरह ढूंढ लिया। नॉर्थ साइड में भी जाके देखो उसे, कोई भी जगह मत छोड़ना। ओके सर, वैसे ही करेंगे। सर, अगर कोई मिल जाए तो क्या करना है हमें? बिना कुछ सोचे भूंड डालना। उन औरतों में से तुम्हें कोई भी मिल जाए तो बेझिझक सबको मार डालना। इतना मारा लेकिन जुबान नहीं खुल रही है। तुम इसकी जुबान खुलवा के देखो। इन सबसे बहुत समस्या है हमें।
प्रजा की भलाई के लिए मुझे वो दर्पण का टुकड़ा चाहिए, मुझे बताओ वो कहाँ है। बाकी लोग कहां पर हैं? ऐसा पूछोगे तो नहीं बताएगी। तो फिर इसको अपने वश में करना होगा। अरे तुम पूछोगे तो नजर आएंगे क्या? हमें ही जाकर ढूंढ कर पकड़ना होगा। पकड़ने की कोशिश करो। यहाँ बहुत झगड़े हो रहे हैं सर। अरे भाई कैसे झगड़े भाई? सिटी हॉल के पास सभी लोग मारपीट कर रहे हैं। हमारी पूरी फोर्स वहाँ गई है। अब आप जो भी कहें वैसे ही करेंगे। वैसे आप इस वक्त कहाँ हैं सर? मैं कहीं भी हूँ तुम्हें क्या, मैं आ रहा हूँ। माया दर्पण, स्नो वाइट कहाँ है? वो कहीं मुसीबत में तो नहीं है? यहाँ क्या हो रहा है हमें दिखाओ। ओके, इससे बेहतर समय हमें नहीं मिलेगा। उसे पकड़ने के लिए हमें उसके ऑफिस जाना होगा। तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। जान हथेली पे रख के लड़ना होगा। ठीक है। हेलो सिक्योरिटी। हाय, मैं जेसिका बोल रही हूँ। मेयर हैं क्या? ओह ओके, थैंक यू, बाय बाय। मेयर यहाँ नहीं है। कुछ देर बाद सिक्योरिटीज इस बिल्डिंग को अपने हाथ में ले लेगी। उसके पहले आप यहाँ से निकल जाइए। अगर आप यहाँ पे आना चाहती हैं तो सिक्योरिटी कोड बदलने के बाद आप वापस आ सकती हैं। मैं आपके आने का इंतजाम करूंगी। सिक्योरिटीज को सेट डाउन करती हूँ। ये उसे पता चल गया तो वो तुम्हें मार डालेगा। उन्हें पता नहीं चलेगा। जल्दी निकल जाओ, वो आ रहे हैं। मेयर के जाने के बाद मैं इतला करूंगी। हाँ, हमारी मदद करने के लिए थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया तो वो फिर मुझे बदल देंगे। मुझे कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, आप लोग संभल के जाओ। गुड लक। उस तरफ भी जाके देखो। सिक्योरिटी, वो लोग इस तरफ भाग रहे हैं। जल्दी जाके उन्हें पकड़ो। ओ, तुम ही हो। फ्रेड! फ्रेड! वो कहाँ गायब हो गए? पता नहीं। Damn it! यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है देखने के लिए ही मैंने माया दर्पण का इस्तेमाल किया, लेकिन बेहोश हो गई। वो रेड यहाँ पर आ गई और माया दर्पण का टुकड़ा लेकर चली गई। वो कहाँ गई है मुझे पता है। सिटी हॉल, मुझे पक्का पता है। अगर हमारा नसीब अच्छा हुआ तो हमें हमारा साम्राज्य जल्दी ही मिल जाएगा। हम हमारी प्रजा की रक्षा कर पाएंगे। हम अपने लोग भी चले जाएंगे। जेसिका हमारी जरूर मदद करेगी। चलो, जेसिका ने कहा था कि वो हमें इत्तला करेगी। हमें उससे पहले वहां पहुंचना होगा। मेरा ऑफिस पहुंच गए हैं। सिक्योरिटी टाइट करो।
मेयर ने बुलाया है क्या? नहीं! तुम क्या कर रही हो, कुछ समझ रही हो क्या? उस लड़की ने क्या किया जो उसके ऊपर तीर कमान चलाया? जॉन, जेसिका, कोई समस्या? मैंने कोई गलती नहीं की। अनजाने से पूछ रहा हूं, वैसे ये लड़की यहां रहकर क्या कर रही है? ये हमारी दोस्त हैं और ये मुझे देने के लिए आई हैं। देखो जॉन, यहां सब लोग मेरे हुक्म के गुलाम हैं। इसने तुम्हारी सेक्रेटरी को मारने की कोशिश की। क्या कहा? किस लिए मारने की कोशिश की? जेसिका, उस लड़की को क्यों मार डाला तुमने? जोर से बोलने वाले मुझे पसंद नहीं है जॉन। मेरा कहना मानना ही तुम्हारा काम है, समझ गए तुम? तुम और तुम्हारे लोग मेरे कहे मुताबिक ही काम करोगे, जरूरत पड़ी तो जिंदगी को भी कुर्बान करोगे। चलो नीचे चलते हैं, चलो। अंदर से मेरे लोग आएंगे। बोल रहा हूँ, अपनी पूरी फोर्स को यहाँ पर बुलाओ। हमारे शहर में कुछ अजीब लोगों की एंट्री हो गई है, मारपीट कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? मेयर बहुत दुष्ट आदमी है, उसने अपने लोगों को इस शहर पर छोड़ दिया है। वो बहुत घिनौना व्यवहार कर रहे हैं, आप लोग संभल के रहना। संभल के उस पे हमला करो। इसको तो मैं देख लूंगी, जल्दी करो। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो पूरी सिटी का यही हाल होगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। इन सब का कारण वही है, इसका अब अंत होना ही चाहिए। हर काम का समय नजदीक आ गया है, वो लोग आएंगे अभी, सब साथ मिलकर आएंगे। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, और इस बीच हमें बहुत सारे काम करने हैं, उनको रोकना होगा। इस रेड का भी ख्याल रखना, शहर को अपने काबू में करने के लिए सैनिकों को बुला रहा हूं। जॉन, हम इसे नहीं रोक सकते क्या? उस माया द्वार से बहुत अजीब लोग आ रहे हैं क्या? पूरी पुलिस फोर्स हमारे इशारे पर ही नाच रही है। मैंने जिन सैनिकों को बुलाया है वो भी अपने काम कर रहे हैं। कैसा है मेरा प्लान? सरकार ने कमांडोस भेजे हैं और मिलिट्री भेजी है, सब लोग मेयर को बचाने में लगे हुए हैं। एक एक करके सब मेरे कंट्रोल में आ रहे हैं। सब मेरे वश में आ जाए तो कोई विरोध नहीं होगा। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? बाहर तुम्हारे लोग हंगामा कर रहे हैं, तुम वहां जाकर सबको मार कर आओ।
पूरा करके ही लौटना। मेरी इच्छा पूरी होने वाली है। शट डाउन करते वक्त लगाड़ी और उसके आदमी वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हमें उस एलिवेटर का पता लगाना होगा, उससे हमें काफी मदद मिलेगी। उसने माय द्वार को खोल दिया है जिससे बहुत सारे सैनिक शहर में आ गए हैं और सब पर हमला करके शहर को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो जितने भी हों, उसने जो माय द्वार की सृष्टि की है उसे बंद करने से ही अत्याचार बंद होगा। रैपंज़ेल, सिंड्रेला, तुम लोग सिटी हॉल के गैरेज में जाओ, वो वहाँ पहुँच जाएंगे। लॉबी हम संभाल लेंगे, तुम तैयार हो ना? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जल्दी निकलो। सुनो, तुम लॉबी को संभाल लेना, ओके? ठीक है, आओ चलते हैं। जल्दी जाओ और द्वार को बंद कर दो। उसके आदेश का इंतजार कर रहे हो क्या जॉन? हाँ, इंतजार कर रहा हूँ। शत्रु किस तरफ से आएंगे पता नहीं, सब के सब अलर्ट हो जाओ। शत्रु आ गए हैं। इसको हम सजा देंगे तो तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं रुक जाओ, मुझे कुछ मत करो। मैं संभाल लूंगी। दया करके यहाँ चले जाइए आप। काम पूरा करो। छोड़ दो मुझे। अब भी अपने आप को बदल डालो और सही फैसला करो। मैंने सही फैसला ही लिया है। तुमने जो फैसला किया है वो बहुत गलत है। जानते हो इससे कितने लोग परेशान हैं? हमारी मदद करके इस शहर को बचाओ। तुम इतने अच्छे आदमी थे, ऐसे क्यों हो गए? एक बात समझ लो, तुम सब उसके गुलाम नहीं हो। किसी भी तरह इस माया द्वार को बंद कर दो। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मेरे आदमियों को भी साथ ले जाओ। ये द्वार बंद कर दूंगा मैं।
हिम्मत की दाद देनी होगी। तुम हमारे हाथों से नहीं बच सकती। तुमने ये क्या कर दिया? माया द्वार बंद कर दिया, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, एक और द्वार की सृष्टि करूंगा। यहां से तुम्हारा बच के निकलना मुश्किल है। मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर उधर की बातों से दिमाग खराब मत करो, अपने बारे में सोचो। तुम तुम्हें मुझसे बचाने के लिए तुम्हारे साथी यहां आएंगे, तुम्हें भरोसा है क्या? उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम हो ना मेरे साथ, मेरी बात मानने में ही भलाई है। मुझे समझो, गुरूर में अपनी जिंदगी खराब मत करो। तेरा राज्य मेरे अधीन में है और अब तुम भी। तुम बहुत खुश नसीब हो, मेरी बात गौर से सुनो। तुम मैं भी एक माया द्वार खोलने वाला हूं, और तुम्हारे राज्य से कोई तुम्हारी मदद करने के लिए आना चाहे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और चला जाऊंगा। उसके बाद तुम स्वतंत्रता से अपने राज्य का पालन कर सकती हो, और अगर तुम हार गई तो हमेशा के लिए मेरे पास रह जाओगी। तुम्हारी इच्छा इस जन्म में पूरी नहीं होगी। इच्छा पूरी नहीं होगी मत कहो, इच्छा पूरी होगी। मेरी बात मानो, तुम्हें एक बहुत अच्छा मौका दिया, इससे अच्छा मौका तुम्हें दोबारा फिर कभी नहीं मिलेगा। घबराओ मत, मेरे लिए मेरे लोग आते ही होंगे। घबराना, घबराहट ही मुझे छोड़कर भाग जाती है। मेरे सामने अपना जोश दिखाती हो? तुम्हें मारे बिना नहीं छोड़ूंगा मैं। मैं कभी मौत से बिल्कुल नहीं डरती। Oh!
तेरी कहानी खत्म हुई। माया द्वार अब बंद हो गया है, उसके सारे लोग अब मारे गए हैं। स्नो व्हाइट को मेयर उठा ले गया है, किसी तरह उसे बचाना होगा। तुम भी चलोगी? उसका खात्मा करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब और देर नहीं करनी चाहिए। तुम हमेशा कहती रहती हो ना कि मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम देश से है, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। वहीं रुक जाओ, नहीं जल्दबाजी मत करो, मेरी बात सुनो। मार डालो। एक भी कदम आगे बढ़ा तो इसकी जान ले लूंगा। महारानी को छोड़ दो। तुम्हें अच्छा मौका दूंगा मैं, अगर मेरी बात मानी तो। इस द्वार से चली जाओ, तुम्हारे जाते ही इसे मैं जिंदा छोड़ दूंगा। जल्दी जाओ वरना उसकी जान ले लूंगा और इस दर्पण के टुकड़े को तोड़ डालूंगा। उसके बाद तुम अपने साम्राज्य वापस नहीं जा पाओगे। जाती हो या नहीं? जाने की कोई जरूरत नहीं है। मर गया ना? मृत्युंजय हूँ मैं। वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। मैं अपनी शक्ति से उसे वापस ले आऊंगी। अगर ये माया द्वार बंद करना है तो इसका खात्मा करना ही होगा। एक बार अपने पैर के पास क्या है देखो। इसका क्या करना है मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसका प्रयोग करके एक बार मैं बेहोश हो गई थी। वो धीरे धीरे अंदर की ओर जा रहा है। देखते ही लगा कि तुम इस लोग के आदमी नहीं हो। ओके सर। ए, तुम मुझे कहां लेके जा रहे हो बताओ? तुम्हारा सीनियर ऑफिसर उसका लिहाज किए बिना मेरे हाथों में हथकड़ी रख के कहां जा रहे हो तुम? बता के जाओ, मुझे छोड़ दो। उसकी मौत हो गई है, हमारी जीत हुई। मेरी वजह से ही वो दर्पण काम का नहीं रहा। कोई बात नहीं, तुमने एक अच्छा काम किया है, अब कोई मुसीबत नहीं आएगी। अब हमें क्या करना है? तुम लोगों को कुछ हुआ तो नहीं? सब ठीक ठाक है? इन्हें क्या हुआ? शहर अब सामान्य हो गया है, अद्भुत लोग भी अब सामान्य हो गए हैं, लोग मदद की आशा कर रहे हैं। हम देखेंगे किसका क्या करना है। मैं इनको देख लूंगा। वो हम भी जानते हैं। आप सब लोग अब क्या करोगे? अपने लोक में वापस लौट जाओगे? महारानी स्नो व्हाइट की कमी हमें ही पूरी करनी होगी। हमें यहां से अब निकलना होगा। बाहर की दुनिया को देखते हैं, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है।